નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. સ્ટાન્ડર્ડ થર્ડ, સબ્જેક્ટ હિન્દી. ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ, ટુડે વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન અબાઉટ અવર લેસન નંબર 17 and 18. સો અવર લેસન નંબર 17 and 18 આર જનરલ નોલેજ, યાની જનરલ નોલેજ યાની સામાન્ય જ્ઞાન. તો સામાન્ય જ્ઞાન કે બારે મે હમ થોડી સી જાણકારી લેંગે, યાની કે થોડી બહોત સી નોલેજ, થોડા બહોત સા જ્ઞાન, ઉસકો કહેતે હૈ સામાન્ય જ્ઞાન. તો ફર્સ્ટ આપકો એક પિક્ચર દિયા ગયા હૈ, દેખીએ યહાં આપકી બુક મે ભી હૈ ઓર યહાં ભી હૈ, પેજ નંબર 31 પર. ચલિએ બતાઈએ, દૂધ કોન કોન સે એનિમલ્સ લેતે હૈ વો તો આપકો પતા હી હોગા. તો વહી જનરલ નોલેજ હૈ. તો દૂધ કોન કોન સે એનિમલ્સ લેતે, યાની કે મિલ્ક કોન કોન સે એનિમલ્સ લેતે હૈ. काउ, बफेलो एंड गोट. तो गाय, भैंस एंड बकरी, ये तीन प्राणी हमें दूध देते हैं, है? फिर है पानी. पानी हमें कहाँ से मिलता है, चलिए बताइए. क्या आपके घर पे जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, तो कौन मुझे बताएगा कि पानी कहाँ से मिलता है? रिवर, लेक एंड वेल, यानी कि नदी, कुआ, तालाब, इन तीन जगहों से हमें पानी मिलता है. समझ में आया? तो ये जो पानी हमें मिलता है वह हमारे घर तक पहुंचाया जाता है. जैसे हमारे घर पे जो पानी आता है वो नदी से आता है, तो नदी, कुआ और तालाब से हमें पानी मिलता है. फिर है फल. तो फल के तीन नाम अभी हमने लेसन नंबर में देखा, 15 में, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. तो उसमें हमने देखा कि फल एंड फल के नाम कौन कौन से थे, तो जैसे चीकू, संतरा और केला, राइट. फिर है लेसन नंबर 18. तो पहले हम वह समझ लेते हैं, फिर फिलअप करेंगे. तो लेसन नंबर 18 की है सब्जी. तीन सब्जी के नाम दिए गए हैं, गोभी, आलू, भिंडी. ये तीन सब्जी हुई. अब आप घर पे जो दाल खाते हो तो उसके नाम, तो मूंग की दाल, उड़द की दाल और तुअर और अरहर, ये हुई ना. पानी रोज उपयोग करते हैं, पानी का पीने में, धोने में, हर जगह पानी का उपयोग होता है. सब्जी, तो सब्जी भी खाने में उपयोग करते हैं, दाल और अनाज, ये तो खाने की चीजें हैं, तो ये इसका उपयोग तो हम करते ही है ना, राइट. तो अभी आपने समझ लिया कि ये जो चीजें हैं वह हमारे रोजिंदे जीवन की, यानी कि रोज बरोज के जीवन की उपयोगी चीजें हैं, जो हम रोज उपयोग करते हैं इसका. तो इसके इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा. तो इसके कुछ पिक्चर्स हम अभी देखते हैं. देखिए बच्चों, ये मिल्क देने वाले एनिमल्स है, काउ, गोट एंड बफेलो. बच्चों अभी आपने देखा ना कि हम कौन कौन सी दाल खाते, अरहर की, और ये कौन सी है, मूंग की दाल, और तीसरी कौन सी दाल हम खाते हैं, उड़द दाल. ये दाल हम खाते हैं ना बच्चों. हम अनाज में क्या खाते हैं, ये अनाज कौन सा है, गेहूं. और ये क्या है, आपने अभी देखा ना
चावल और बाजरा, ये अनाज हम खाते हैं। बच्चों ये कौन सा फल है? चीकू। फिर है केला और ये है संतरा। ये फल आप खाते हो ना? बच्चों चलिए बताइए कौन सी सब्जी है? आलू। सबको पसंद है भिंडी। फूल गोभी। ये क्या है थी सब सब्जियाँ? बच्चों पानी हमें कहाँ से मिलता है? नदी। तो ये किसका पिक्चर है? नदी यानी रिवर। फिर कहाँ से मिलता है? तालाब। तो ये क्या है? तालाब। और ये क्या है? कुआ। पानी हमें कुएं से भी मिलता है। ये बच्चों अब हम टेक्स्ट बुक फिलअप करें। अब पेज नंबर 31 हम फिलअप करेंगे। अभी आपने जो पिक्चर्स देखे उस पेज से, तो भैंस फल है राइट या रॉन्ग? तो क्या आएगा? रॉन्ग। फिर है कुआ। कुएं से हमें पानी मिलता है। यस राइट। चलिए केला फल है, कौन बताएगा? यस सही कहा। फिर है बकरी। बकरी दूध देती है। यस राइट। और फिर एक भैंस है। नदी से हमें क्या मिलता है? चलिए जल्दी बताइए। यस पानी। गाय हमें क्या देती है? संतरा और चीकू क्या है? फल। और लास्ट में गाय और भैंस की तरह हमें दूध कौन देता है? चलिए बताइए बकरी। अब लेसन नंबर 18 फिलअप करेंगे। गेहूं अनाज है। फिर है आलू फल है। कौन बताएगा आलू फल है? आप खाते हो ना? आलू फल नहीं, आलू क्या है? सब्जी। तो यहाँ क्या आएगा? रोम। फिर है उड़द दाल है। यस उड़द दाल है। चावल सब्जी है? नहीं चावल सब्जी नहीं, क्या है? सही कहा अनाज। भिंडी क्या है? सब्जी। फिर है मूंग की क्या बनती है? दाल। गेहूं और चावल की तरह कौन अनाज है? बाजरा। और एक दाल और गोभी क्या है? सब्जी। समझ में आ गया आपको हमारा लेसन नंबर 17 और 18। हमारा नेक्स्ट लेसन हम हमारे नेक्स्ट लेसन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर joining us.